वेलकम स्टूडेंट्स और मे ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 12.3। 12.2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, 12.1 इसका बेसिक पढ़ा था। 12.2 में अपन ने कोई भी अपने पास समीकरण था उसका अवकल समीकरण ज्ञात करना सीखा था। अब यहाँ क्या करेंगे, प्रश्नावली 12.3 है तो प्रश्नावली 12.3 में क्या करना, इसमें अपने को सिद्ध करना है, डायरेक्ट अपने को ये करना है कि सिद्धि कर लो कि ये जो वक्र है इसका अवकल समीकरण ये होगा। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दो तरीके, पहला तरीका तो कौन सा कि अपन क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली 4.2 की तरह है, इसको हल करो, इसका अवकल समीकरण ज्ञात करो, अवकल समीकरण ये आना चाहिए, ठीक है, अपना काम हो जाएगा। लेकिन उससे भी आसान क्या रहेगा, अपन क्या करें, अपने को ये सिद्ध करना है कि इसका अवकल समीकरण ये है, इसका अवकल समीकरण ये है। तो इसमें अपन क्या करें, यदि LHS और RHS सोल्व करें तो दोनों क्या आने चाहिए भाई, बराबर आने चाहिए। यदि दोनों बराबर है LHS और RHS तो इसका मतलब ये जो समीकरण है इसका अवकल समीकरण होगा, अन्यथा अवकल समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो, एक तो तरीका मैंने क्या बोला, किसको हल कर लीजिए। देखो, अवकलन कितनी बार करना पड़ेगा अपने को, एक बार। यदि एक बार अवकलन करोगे तो एक बार अवकलन करते ही अपना क्या आ जाएगा, ये अपना समीकरण बन जाएगा। थोड़ा बहुत अपने को कुछ ना कुछ कार्यस्थानी करनी पड़ेगी, कार्यस्थानी मतलब इस ए को अपने को हटाना पड़ेगा, ए को हटाते ही अपना क्या आ जाएगा, अवकल समीकरण आ जाएगा। लेकिन उससे भी सरल कौन सा रहता है भाई, ये अपना, यदि इसको अपन सोल्व कर लेंगे LHS को और RHS को अलग अलग सोल्व कर ले तो आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को, dy/dx की। तो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ, पुनः लिखना समीकरण जो है इसको आप दोबारा लिखोगे, सॉल्यूशन जब करोगे एक तो एक बार लिखना तो पड़ेगा ही दोबारा। तो आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, है ना। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे तो वाई स्क्वायर का तो कितना हो गया भाई, ये मानो अक्ष स्क्वायर है तो अक्ष स्क्वायर का होता है भाई 2x। फिर y का भी तो करोगे तो y का करोगे तो कितना आ गया भाई, dy/dx, ये अपना काम हो गया। और इधर जब करूंगा, ये 4a तो क्या है भाई, कॉन्स्टेंट है, ये 4a तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसका करोगे तो इसका करने पर अक्ष का तो हो गया 1 हो गया और 1 का हो गया 0। तो 1 लिखने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 को जब इससे गुणा करोगे तो यही आएगा, ठीक है। या लिखना चाहो तो लिख लो, ये लो अवकलन करोगे तो अक्ष का तो हो गया 1, इसका 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 से 1 कट गया कितनी बार भाई, 2 बार। तो ये अपना मान आ गया, यहाँ से देखो dy/dx का मान कितना आ रहा है भाई, तो यहाँ से आ गया कितना 2a, यहाँ से बता 2a और ये बटा y, ये लो किसका मान आ गया भाई, dy/dx का। तो यदि dy/dx का मान आ गया तो अपन क्या करेंगे, LHS और RHS को अलग अलग हल कर लेंगे, यदि बराबर आते हैं तो ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले LHS ले लेता हूँ जिसको मेरे को सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है भाई, y ब्रैकेट 1-1/a और dy, अच्छा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लिखना एक बार LHS को, आप लिखना LHS को लिखोगे फिर सोल्व करोगे, मैं इसी में हल कर देता हूं। देखो LHS ये रहा, तो LHS लोगे तो y 1-1/a और dy/dx का मैं डायरेक्ट मान रख लेता हूं, तो dy/dx का मान रखूंगा तो कितना भाई 2a/y और इसका क्या है भाई स्क्वायर है, और हल कर लेता हूं LHS को, तो हल करूंगा तो कितना 1-1/a, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया भाई 4a² और बटा वाई का भी स्क्वायर, और जब इसको और आगे थोड़ा सा हल करोगे तो ये अपने को मिल रहा है 1-, ये हो गया कितना भाई, देखो 1a से 1a तो कट गया तो आया कितना 4a/y², ये लो। थोड़ा सा और आगे सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई 1, एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम क्या आ गया इसका y², तो बचा क्या y² - 4a, ये अपना काम हो गया। और अच्छा यहाँ देखो y से 1y तो अपना कट ही रहा है, तो 1y से 1y मैंने काट दिया, और ऊपर y² का मैं मान रख लेता हूँ, तो y² का मान ये रख लेता हूँ मैं, तो y² का जब मान रखोगे तो y² का मान है क्या, तो y² का मान ये है, मैं हल करके लिख लेता हूँ, y² को हल करोगे तो कितना आएगा भाई 4ax, अरे हल ही कर रहा हूँ मैं पूरा, पहले आप ऐसा कैसा लिख लीजिएगा y² का मान, ऐसा कैसा लिख लीजिएगा, फिर जब हल करोगे ना तो 4ax प्लस कितना हो गया भाई 4ax प्लस कितना हो गया 4a, ये मैंने किसका मान रखा है भाई,
ये मैंने वाई स्क्वायर का मान रख लिया, ये वाई स्क्वायर का मान मैंने यहाँ रख लिया, और माइनस का क्या पड़ा है भाई 4a, और बटा में क्या है एक वाई तो कट गया था ना, वाई बच गया, ये लो कट गया, तो आ गया कितना 4ax बटा वाई, ये लो, ये तो अपना क्या हो गया भाई LHS हो गया, LHS को सोल्व करने पर ये आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना भाई RHS को भी सोल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई RHS को भी सोल्व कर लेता हूँ। तो जब RHS को सोल्व करना शुरू करेंगे तो देखो है क्या, 2 गुणा x और dy अपॉन dx तो है ही, देखो dy अपॉन dx का मान मैं रख लेता हूँ, तो dy अपॉन dx का मान क्या है भाई, तो dy अपॉन dx का मान ये है भाई 2a बटा वाई, देखो डीवाई अपॉन डी एक्स का मान कहाँ से रखने पर, समीकरण एक से, है ना, तो रखोगे तो कितना आ गया भाई 4ax बटा वाई, अरे 4ax बटा वाई तो हो गया LHS बराबर RHS, तो लिख लीजिएगा LHS बराबर RHS, ये अपना क्या हो गया भाई सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से अपने को अगले क्वेश्चन जो है वो भी अपने को सिद्ध करने हैं। देखो इसको अपने एक तरीके से और कर सकते थे, मैं LHS को सोल्व करूंगा, तो LHS को सोल्व किया तो ये आ गया, और मेरे को बनाना क्या है भाई RHS, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता था, 2x गुणा 2a लिख सकता था कि नहीं भाई, अरे 4 को क्या लिख लिया 2 गुणा 2 और अक्सर और एक बार a है और बटा वाई, और ये किसका मान है, समीकरण एक से मान रख देता, ये किसका मान है भाई, अरे 2a बटा वाई किसका मान है, dy अपॉन dx का, तो 2x dy अपॉन dx अपना क्या आ जाता RHS आ जाता। तो इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे, और एक मैंने तरीका बताया ही है प्रश्नावली 4.2 की तरह अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें इससे भी ज्यादा मेहनत होने वाली है, इसलिए अपन उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। मैंने केवल एक ही तरीका आपको बताया है कि LHS को हल करो और RHS को हल करो और आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर जो 2 है, तो उस प्रश्न नंबर 2 को आपको हल करना है, क्यों वो मैं आपको बता देता हूं। प्रश्नावली 4.2 में मैंने आपको करवाया है उसी प्रकार का क्वेश्चन और उसी प्रकार का एग्जाम्पल आपको प्रश्नावली 4.2 में भी मिलने वाला है, और उसका शॉर्टकट मेथड भी मैंने बताया था। तो उस क्वेश्चन को आप खुद से हल कीजिएगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो जब नेक्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज मींस जब 12.4 में स्टार्ट करूंगा, 12.4 शुरुआत करूंगा, तो उससे पहले आपको उसको करवा दूंगा। यदि आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और उम्मीद है आप उसको सोल्व कर पाओगे। मैंने दोनों तरीके उसके बताए, लॉन्ग मेथड जो बोर्ड एग्जाम में अपने को करना है, और एक शॉर्ट मेथड जो अपने को कंपटीशन एग्जाम में जब ऑप्शनल जो एग्जाम होती है तो उनमें अपन फटाफट टिक लगा सकते हैं, केवल सेकंडों का काम है, उसको अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। तो देखिए ये है अपने पास में प्रश्न नंबर 3, और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखिए, और अधिकतर जो बच्चे हैं इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, तरीका सभी को पता है, मैंने क्या बोला कि LHS को सोल्व करो और RHS आ जाना चाहिए, यदि RHS नहीं आएगा तो अपना RHS को भी सोल्व कर लेंगे, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको करना है, लेकिन बस कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें होती है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर अपने पास में है कि y बराबर ये है c माइनस x अपॉन 1 प्लस cx, इसका अवकल समीकरण अपने को ये सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि ये जो y है इस अवकल समीकरण का क्या है हल है, ये जो वक्र है इस अवकल समीकरण का हल है, मतलब इस अवकल समीकरण को हल करने पर ये आता है, तो करते हैं हल। तो देखो हल करने की मैं शुरुआत करता हूं, तो मेरे को ध्यान है कि इसमें मेरे को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, dy अपॉन dx की, और आपको भी ध्यान होगा कि यहाँ अवकलन कितनी बार करना है, क्योंकि श्वेत अचर केवल एक है, कौन है भाई c है, क्यों श्वेत अचर केवल c है, मतलब एक ही श्वेत अचर है, तो अवकलन भी कितनी बार, एक बार, अरे जितने श्वेत अचर होते हैं अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन उतनी ही बार अवकलन करते हैं, उतनी ही कोटि का अपने को अवकल समीकरण मिलता है, घात चाहे कितनी भी हो लेकिन कोटि अपने को पता चल जाती है, जितने श्वेत अचर होते हैं उतनी ही उसकी होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूं भाई, इसका अवकलन करता हूं dy अपॉन dx, तो लिख दूंगा, आप एक बार इस प्रश्न को दोबारा छापिएगा और लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो आएगा क्या भाई dy by dx, और इसका जब अवकलन करूंगा तो u अपॉन v से होगा, और इसका जो अवकलन है वो किससे होने वाला है भाई u अपॉन v से, तो u अपॉन v से जब सोल्व करोगे तो नीचे वाले का तो क्या हो गया भाई, नीचे वाले का तो हो गया स्क्वायर, नीचे वाले का तो मैंने स्क्वायर कर दिया, और नीचे वाला कॉन्स्टेंट,
ऊपर वाले का अवकलन, तो ऊपर वाले का अवकलन करोगे तो सी का तो हो गया जीरो, कॉन्स्टेंट है जीरो, माइनस का चिन्ह है एक्स का हो गया कितना भाई एक हो गया, और बीच में किसका चिन्ह माइनस का चिन्ह, और फिर जब करोगे ऊपर वाला कॉन्स्टेंट, अरे ऊपर वाला क्या रहेगा भाई कॉन्स्टेंट रहेगा, और नीचे वाले का अवकलन तो एक का तो हो गया जीरो और प्लस कितना है भाई सी, सी तो कॉन्स्टेंट है, अक्ष का कितना हो गया भाई एक हो गया, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, हल कर लेता हूं। तो हल जब करूंगा तो कितना आएगा भाई, ये तो आएगा माइनस सी, और माइनस का सी अक्ष, और जब गुणा करोगे इसको तो माइनस के तो सी माइनस, सॉरी माइनस का तो क्या हो गया भाई सी स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस का क्या आएगा भाई सी एक्स आएगा, और नीचे क्या है वन प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को सी एक्स से सी एक्स करता हुआ दिखाई दिया, जब सी एक्स से सी एक्स करता हुआ दिखाई दिया और ऊपर क्या कॉमन आ गया मेरे पास, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा क्या सी प्लस सी स्क्वायर, अरे यही तो अपने पास में बचा। अच्छा एक अपन ने गड़बड़ कर दी, गुणा भाग में मैंने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं तो आप सही कर लीजिएगा। यहाँ कितना है भाई, यहाँ अपने पास में कितना आएगा एक आएगा, यहाँ कितना आ रहा है अपने पास में मिल रहा है कितना एक, माइनस का एक और माइनस के सी एक्स, ठीक है तो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है पता चल जाता है कि गलती कहाँ अपन ने कर रहे हैं ना, थोड़ा अजीब सा लगता है अटपटा सा लगता है ना। तो देखो माइनस कॉमन ले लिया मैंने दोनों में, तो बचा क्या एक प्लस सी स्क्वायर, कोई बात नहीं ठीक है, और बटा में क्या है वन प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, ये किसका मान आ गया भाई डीवाई बाई डी एक्स का, ये लीजिए ये अपना डीवाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया, इसको मैं दे लेता हूँ समीकरण नंबर एक। अब मैंने आपको क्या बोला, अवकलन तो आपने निकाल लिया, लेकिन जो अपने को सिद्ध करना है, जो अपने को सिद्ध करना है उसका क्या ले लीजिए LHS, तो LHS को सोल्व करने पर अपना क्या आ जाएगा RHS, यदि RHS नहीं आता तो RHS को भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो क्या सोल्व करोगे, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है ये तो खुद ही सोल्व हुआ हुआ है, इसको क्या और क्या सोल्व करोगे बताओ, जीरो को जीरो तो खुद सोल्व है ना, तो आप क्या ले लीजिए इसका भाई LHS ले लीजिए, तो LHS लोगे तो LHS है क्या, आप इसको लिख लीजिएगा दोबारा LHS को लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, शॉर्ट मीन्स एक लाइन गायब कर रहा हूं मैं, LHS छाप रहा नहीं, उस समय थोड़ा सा खराब होता है इसलिए मैं बोल देता हूं ना कि वन प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स का मान रख देता हूं मैं, कहां से समीकरण एक से, तो मान रखूंगा तो देखो चिन्ह किसका है भाई माइनस का, वन प्लस सी स्क्वायर अपॉन वन प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है और प्लस कितना है भाई वन प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है अब और आगे सोल्व कर लेते हैं, और आगे सोल्व करने का मतलब क्या है, तो और आगे सोल्व करने का मतलब यही है कि यहां मैं किसका मान रख दूंगा y का, तो मैं एक काम करता हूं यही पहले ही रख लेता हूं मैं y का मान रख लेता हूं पहले ही, तो y का मान मैं रखूंगा, तो y का मान है क्या भाई, तो y का मान अपने पास में है c माइनस, y का मान अपने पास में क्या है भाई c माइनस x का होल स्क्वायर, अरे y स्क्वायर करना है, y का मान रख रहा हूं मैं, देखो वन प्लस x स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स का मैंने मान रखा, तो डीवाई अपॉन डी एक्स का मान ये माइनस मैंने आगे लगा दिया, और प्लस एक है तो है, वाई का मान रख रहा हूँ तो वाई का मान ये है अपने पास में, वाई का मान क्या है भाई सी माइनस एक्स अपॉन वन प्लस सी एक्स, और स्क्वायर है इसलिए अपने को क्या करना है स्क्वायर कर देना है। अब थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेते हैं, और जब आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा LCM आपको दिखाई देगा, तो LCM में ले लेता हूँ, देखो LCM क्या आएगा भाई वन प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, बस यही जो कैलकुलेशन है यह अपने को ठीक रखनी है, यदि कैलकुलेशन ठीक नहीं रही तो अपना काम गड़बड़ हो जाएगा, तो देखो कर लेता हूं मैं वन प्लस सी एक्स है ना, वन प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया, तो इसमें इसका बाद ये कट गया, ये का यही आएगा, तो देखो गुणा करने पर क्या आएगा भाई माइनस का तो एक, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का सी स्क्वायर, और फिर इसको इससे गुणा करोगे एक्स स्क्वायर को एक से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, लेकिन चिन्ह किसका है भाई पूरे के बाहर चिन्ह किसका लग रहा है माइनस का, और इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन चिन्ह किसका है भाई माइनस का, और यहां जब हल करोगे इसमें किसका भाग दोगे, यहां बटा में कुछ नहीं क्या मान लीजिए भाई एक मान लीजिए, जब इसमें एक का भाग दोगे तो ये का यही आएगा, और इसको चाहे एक से गुणा कर लोगे तो भी यही आएगा, अरे यही तो आता है सेम यही आएगा क्योंकि अकेला एक है, तो ये का यही आएगा, तो इसका स्क्वायर भी मैं हल कर लेता हूं, तो इसका स्क्वायर हल करूंगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हल कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू
ए बी, टू ए बी करोगे तो टू सी एक्स हो जाएगा। अरे इसको आपको हल करना, मैंने क्या किया केवल एलसीएम ले रहा हूँ, हल कर रहा हूँ, और जब इसमें इसका भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा ये का ये आएगा, अरे बचेगा एक, एक को इसे गुणा करोगे तो ये का यही अपना आंसर आएगा। तो यहाँ भी अपने को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी। तो माइनस टू ए बी करोगे तो टू ए बी, ठीक है काम हो गया। अब जो करता हूं उनको काट दीजिए, तो देखो मेरे को करता हुआ दिखाई दिया, माइनस एक से प्लस एक, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर करता दिखाई दिया, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, और ये भी करता दिखाई दिया। अब बचा कितना भाई, ऊपर तो आया जीरो और नीचे कितना है वन प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। अरे ऊपर जीरो है, जीरो में किसी का भी भाग दे लीजिए तो आएगा कितना भाई, जीरो। तो ये अपना क्या आ गया, आर एच एस। तो हेंस प्रूव, ये अपना क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। अब देखिए अपन कर लेते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम दो क्वेश्चन, प्रश्न नंबर चार और प्रश्न नंबर पांच, और इसी के साथ अपन करेंगे आज के वीडियो लेक्चर की समाप्ति। बाकी जो एग्जांपल्स है उनको आपको सोल्व करना है, क्योंकि आपको सेम पैटर्न वहां भी मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूं भाई, अच्छा तो देखो प्रश्न नंबर चार अपने को दिखाई दे रहा है कि वाई बराबर ए कोस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ये जो वक्र है इस अवकल समीकरण का क्या है भाई, हल है। तो मैंने बोला था कि दो तरीके कौन से भाई, तो दो तरीके मैंने बोला था, एक तो क्या करो चाहे इसको हल करके इसका अवकल समीकरण ज्ञात कर लीजिए, तो अवकल समीकरण ये आना चाहिए, या फिर मैंने एक क्या बोला था कि जिस जिसकी आवश्यकता है वो पहले आप निकाल लीजिए, जैसे डीवाई अपॉन डीएक्स की अपने को आवश्यकता पड़ेगी और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की अपने को आवश्यकता पड़ेगी, मतलब दो बार अवकलन की आवश्यकता पड़ेगी। तो डीवाई अपॉन डी एक्स भी निकालना और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना और एलएचएस में रख देना, तो एलएचएस कॉल करने पर अपने आप ही क्या मिल जाएगा, आपको जीरो मिल जाएगा। और वाई का मान भी आपको रख देना, तो वाई का मान ये है, तो वाई का मान भी आप रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा इजी, मेरे को जो इजी लग रहा है मैं उस पैटर्न से आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सभी में एक ही मेथड बता रहा हूं ना, हो सकता है कि इसको जब हल करेंगे इसका जब अवकल समीकरण करेंगे निकालेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाए, तो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा काम क्यों करूं। अरे ज्यादा मेहनत अपने कोई काम की नहीं है, अपने को उतनी मेहनत करनी जितना अपना काम हो जाए, कम मेहनत में यदि अपना काम हो रहा तो अच्छी बात है, ज्यादा मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, और मैंने वो तरीका भी आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, यदि आप उस तरीके से करना चाहो तो आप उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, आंसर जरूर आएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसका क्या करूंगा भाई, जवाब जरूर दूंगा सभी का, है ना, उसका सॉल्यूशन भी आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो देखिए y बराबर ये देर क्या है, तो मैं क्या करता हूं, एक बार तो अवकलन करना ही पड़ेगा, dy अपॉन dx x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, तो देखो a तो यहां कांस्टेंट है, तो आपको ध्यान है कि cos, ये मान लेता हूं x है, तो cos x का अवकलन, तो cos x का अवकलन होता है भाई माइनस साइन x, x की जगह क्या है भैया, यहां है log x, तो cos x का अवकलन कर लिया माइनस साइन x, फिर x का भी तो अवकलन करोगे, जिसको तुम x मानते हो उसका भी अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो log x का क्या होता है भाई, वन अपोन x, वन अपोन x, वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं दिखाई दी तो मैंने बटा में x लिख लिया केवल, अरे एक बटा x तो एक से गुणा करोगे तो ये का ये है ना, और प्लस b, ये b तो कॉन्स्टेंट है, साइन इसको मैं मान लेता हूँ x, तो साइन अक्स का अवकलन होता है भाई कोस अक्स, अक्स की जगह मेरे को दिखाई दे रहा लोग अक्स, फिर लोग अक्स का अवकलन करोगे तो आ गया एक बटा अक्स, ठीक है अपना काम हो गया। फिर मेरे को दिखाई दिया कि डीवाई अपॉन डी एक्स के गुणा में अक्स, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पूरे को एक्स से गुणा कर लेता हूँ, मेरे पूरे को किससे गुणा कर लेता हूँ भाई, एक्स से, तो पूरे को एक्स से जब गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, लिख रहा पूरे समीकरण को एक्स से गुणा करने पर क्या यही आएगा, क्या जब अक्ष से गुणा करोगे तो आपको यही तो मिलेगा, आराम से आप देख लीजिएगा, देखो जब अक्ष से गुणा करोगे तो अक्ष आ जाएगा, जब अक्ष से गुणा करोगे तो अक्ष एक्स कट गया, जब अक्ष से गुणा करोगे तो अक्ष एक्स कट जाएगा, यही तो बचेगा। फिर क्या करेंगे, तो फिर अपन आगे सोल्व कर लेते हैं, एक बार और अवकलन कर लेते हैं, और अवकलन दो बार क्यों करना, तो वो भी मैंने आपको बता रखा है कि यहां स्विच अचर दो है, ए और बी दो स्विच अचर है, तो अवकलन भी दो बार करना, तो दोबारा अवकलन कर लेता हूं, ठीक है। और इसका एक तरीका और था,
मैं ऐसा भी कर सकता था कि एलसीएम कितना ले लेता भाई अक्स, और इसी का एक बार और अवकलन कर लेता, फिर यू अपॉन वी से करते, तो थोड़ी सी क्या कैलकुलेटेड जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो एक ही क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अपन एक ही तरीके से कर सकते, कई मेथड होते हैं एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के, है ना। तो देखिए यहाँ जैसा आपको उचित लगता है आप वैसा कर सकते हो, जैसा मेरे को उचित लग रहा है मैं आपको करवा रहा हूँ, हो सकता है आपको ये अच्छा नहीं लगे, आपको लगे कि मैं तो इससे करूँगा तो आप उससे कर लीजिएगा, है ना। उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप मैं जो बताऊँगा उसी से सोल्व करोगे, है ना। लेकिन मेथड जो मेरे को इजी लग रहा है मैं उससे क्या कर रहा हूँ भाई, सोल्व कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। और मैंने बाकी दोनों मेथड आपको बताए हैं कि किससे आप सोल्व कर सकते हो, इससे भी सोल्व कर सकते हो और उससे भी सोल्व कर सकते हो। हाँ, मैंने क्या कर रहा था, बात यहाँ चल रही थी अपनी, है ना। तो बात क्या चल रही थी, इस जगह, तो इस जगह अपना क्या चल रहा था, एक बार तो अवकलन अपन ने निकाल लिया, मैं क्या करता हूँ एक बार पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ, तो करूंगा तो क्या आएगा, तो करने पर क्या आएगा, देखो पहले वाले को क्वेश्चन मान के दूसरे वाले क्या करोगे, तो इसका तो क्या आ जाएगा भाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई। अरे यू डॉट वी से करूंगा, इसको क्वेश्चन मान के दूसरे वाले का, अरे पहले वाले को क्वेश्चन माना इसका किया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस एक बार बाद वाले को क्वेश्चन मानूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स को, और एक्स का कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इधर करोगे ये माइनस ए तो कॉन्स्टेंट ही कॉन्स्टेंट, ये माइनस ए तो कॉन्स्टेंट है, साइन इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन, तो साइन एक्स का आप सभी को ध्यान में है क्या होता है भाई, कोस एक्स, एक्स की जगह लोग एक्स था, फिर लोग एक्स का करोगे तो एक बटा एक्स, बटा एक्स लिखने की अपने को, गुणा में एक लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं थी, एक बटा एक्स, तो बटा एक्स लिख लिया मैंने। और बी अपना कॉन्स्टेंट है, बी अपना, अरे वापस कहाँ चली जाती है, ठीक है, ये बी तो अपना क्या है भाई, कॉन्स्टेंट है, फिर किसका करोगे, कोस एक्स का, तो कोस एक्स का क्या होता भाई, माइनस नेगेटिव साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है अपने पास में भाई, लोग एक्स है, फिर लोग एक्स का भी तो करोगे तो एक बटा एक्स। अब मेरे को जो बटा एक्स दिखाई दे रहा है मैं फिर गुणा कर लेता हूँ, बटा एक्स, अरे बटा में एक्स दिखाई दे रहा है हटाओ इसको, तो उस पूरे समीकरण को एक्स से गुणा कर लीजिए, तो जब एक्स के गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है भाई, डी स्क्वायर वाई है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर। और जब एक्स से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, जब एक्स से गुणा करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ भी एक्स एक्स कट जाएगा, गुणा करोगे तो बचेगा क्या, ऊपर वाले तो बचेंगे, तो ऊपर वालों में माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले माइनस कॉमन लोगे तो बचा क्या भाई, ए कोस लॉग एक्स प्लस बी साइन लोग एक्स, यही मेरे को बचता हुआ दिखाई दिया, मैंने किया क्या, माइनस कॉमन ले लिया, और आपको ध्यान है मैंने एक्स से जब गुणा किया तो एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स से गुणा किया तो एक्स आ गया, जब एक्स से गुणा करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो बाकी यही बचेंगे केवल, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बचा वो लिख लिया। अब मेरे को ध्यान आएगा कि ये तो वापस क्या बन गया रे भाई, ये तो मेरे को वापस वाई बनता हुआ दिखाई दे रहा, देखो ए कोस लोगक्स, ए कोस लोगक्स प्लस बी साइन लोगक्स, मेरे को ये बिल्कुल क्या दिखाई दिया भाई, वाई बनता हुआ दिखाई दिया, तो माइनस, माइनस का चिन्ह तो था ही, ये वाई है, और इधर क्या है अपना एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये लो, और इसको बराबर के पहले ले लीजिए, तो बराबर के पहले लोगे तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर में बचेगा कितना भाई, जीरो बचेगा, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया कि नहीं, अरे यही तो अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये अपना क्या हो जाता भाई, सिद्ध हो जाता है। बाकी दूसरे तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, और बाकी मैंने आपको बता रखा है कि प्रश्नावली जो 12.3 है, 12.3 तक अपने एग्जाम में बड़ी ही मुश्किल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्नावली अपने शुरुआत कहाँ से होती है, इस प्रश्नावली का जो मेन शुरुआत होती है प्रश्नावली 12.4 से होती है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था। यदि आप 12.4 से अच्छे से देखोगे तो आपका काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। प्रश्नावली 12.4, 5, 6 इनमें से एक क्वेश्चन अपने को मिलता ही मिलता है, और एक जो क्वेश्चन मिलेगा अपने को बाकी जो शेष रह गई उनमें से मिलेगा, अथवा में क्वेश्चन आता है और में क्वेश्चन आता है तो अपने को उनमें से एक करना होता है। इसलिए जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली कौन सी भाई, 12.4, वो अपने लिए क्या हो जाती है, वहीं से ही अपना मेन जो टॉपिक है अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण को हल करना देखेंगे। अब की बार अपने को केवल इस प्रकार से देगा, अरे इस प्रकार से देगा, और इसको हल करके अपने को ये लाना पड़ेगा कि वक्र कैसे आएगा।
अपने इतनी देर तो क्या था, पिछली प्रश्नावली में अपन ने ये किया था कि जैसे ये अपना प्रश्न दे दिया तो इसका अवकल समीकरण अपने को निकालना था। अब की बार क्या करेगा, प्रश्नावली 12.4 में करेगा क्या, अवकल समीकरण अपने को देगा और उससे अपने को वक्र का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, तो वो भी अपन सीखेंगे। और 12.4 यदि नहीं कर पाए तो प्रश्नावली 12.5 और 12.6 भी नहीं हो पाएगी, इसलिए जो 12.4 है वही उसका क्या है भाई, बेसिक है, सभी उसी पर डिपेंड है। प्रश्नावली यदि 12.4 अपने समझ में आती है तो आगे प्रश्नावली में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन अपना चल रहा है प्रश्न नंबर 5, तो इसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं और आज के वीडियो लेक्चर को करते हैं खत्म। तो देखो हाँ, प्रश्न नंबर 5 क्या है, अब इसमें तो कोई ज़्यादा समस्या ही नहीं होने वाली, ये तो प्रश्नावली 7 की तरह हो गया। समीकरण दे रखा है और अपने को निकालना क्या, dy/dx यदि ये आ जाता है तो काम हो गया, तो बस कर लीजिए, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। देखो आपका मैं क्या करूँगा, एक बार समीकरण लिख लीजिएगा आप, किसका भाई, पाँचवें का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, है ना, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, केवल मैं अवकलन नहीं करता हूँ, आप समीकरण लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट अवकलन करता हूँ x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो u.v से करोगे, तो पहले वाले को कॉन्स्टेंट मान करके बाद वाले का करोगे तो कितना आएगा भाई, dy/dx, और बाद वाले को कॉन्स्टेंट मान करके पहले वाले का कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा, x का हो जाएगा एक, ठीक है, बराबर log y का जब अवकलन करोगे तो 1/y, अरे लोग ये मानो अक्स है तो लोग अक्स का 1/x, फिर जिसको तुमने अक्स माना उसका भी तो करोगे, वाई का क्या हो जाएगा भाई, dy/dx, और कॉन्स्टेंट का कितना हो जाता है 0, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो dy/dx वाले एक तरफ ये लो अक्स dy/dx माइनस 1/y dy/dx, और बराबर में कितना हो गया भाई, माइनस वाई, प्लस का वाई था किसका हो गया, माइनस वाई हो गया, ठीक है, काम हो गया। अब यहाँ आपको कॉमन दिखाई देगा, कॉमन क्या दिखाई देगा भाई, dy/dx कॉमन दिखाई दे रहा है, बचेगा क्या, यहाँ से तो मेरे को क्या दिखाई दिया, बचता हुआ यहाँ से तो दिखाई दिया अक्स, यहाँ से तो कितना दिखाई दे रहा भाई, अक्स दिखाई दे रहा है, और माइनस यहाँ से कितना, 1/y, और बराबर माइनस वाई है, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, जब एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, वाई मिलेगा, और आया क्या, एक्स वाई माइनस 1, और ये लीजिए, ठीक है, इसको हल ही कर लेते हैं ना, और बराबर में है ना, क्योंकि बार बार अंदर जा रहा तो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ये लो अपना काम हो गया। तो देखो ये हो गया कितना भाई, एक्स वाई माइनस 1 और बटा में वाई, और अब क्या करोगे, इसको उल्टा कर दीजिए, तो जैसे आप उल्टा करोगे तो dy/dx का मान आ जाएगा, तो dy/dx का मान क्या हो जाएगा भाई, उल्टा करोगे तो ये हो गया माइनस के वाई स्क्वायर और बटा एक्स वाई माइनस 1, लेकिन थोड़ा सा अपना उत्तर गड़बड़ आ रहा है, तो गड़बड़ क्या आ रहा है, तो देख लीजिए आप, वाई स्क्वायर पॉजिटिव दिखाई दे रहा, तो आप नीचे भी क्या कॉमन ले लीजिए, नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो dy/dx का मान आ जाएगा, देखो ऊपर तो माइनस वाई स्क्वायर है, नीचे जब आप माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस है वो तो हो जाएगा प्लस, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, तो बाहर सर आ गया कि नहीं बताओ, dy/dx का मान क्या आ रहा भाई, y²/1 − xy, ये अपने प्रश्नावली 7 में भी कर रखा था, और यहाँ भी मैंने इसका क्या कर दिया है, सॉल्यूशन कर दिया है। अब आपके पास केवल एक ही अब काम बचा है, इसके जो उदाहरण है प्रश्नावली 12.3 के उदाहरण आपको सोल्व करने हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि ये काम नहीं आएगी, काम नहीं आने का मतलब कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो आप इसको सोल्व करो ही नहीं, सोल्व तो अपने को करना है, पता नहीं आपकी किस्मत कैसी हो, यदि किस्मत चमक गई तो आपको इसमें से भी क्वेश्चन मिल सकता है, बाकी अभी तक तो प्रश्नावली 12.3 तक कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अपने को केवल शुरुआत कहाँ से करता, वो हर बार प्रश्नावली 12.4 से ही क्वेश्चंस की क्या करता है भाई, शुरुआत करता है, और वहीं से अपने की जो क्वेश्चंस है वो अपने को पुटअप करता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को प्रिपरेशन जो है वो अपने को चालू रखनी है। और जो मैंने इससे पहले जो प्रश्नावली पढ़ा दी भाई 11 तक, तो उनका आप साथ के साथ रिविजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि यदि रिविजन नहीं करोगे तो आपका जो माइंड है वो पीछे से क्या करता जाएगा, जो प्रश्नावली आपने पढ़ी है पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो उनको साफ करता रहेगा, पीछे से साफ होता रहेगा और आगे पढ़ते रहोगे, फिर जैसे आप प्रश्नावलियाँ समाप्त करोगे फिर आओगे प्रश्नावली 1 पर, तो आपको लगेगा उस प्रश्नावली में क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा, और वही आपका कोरा कागज़ दिखाई देगा, कोरा कागज़ मीन्स
उसका मतलब यही है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कि शुरुआत से ही आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता उसी तरीके से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए जो पीछे की प्रश्नावलियाँ हैं उनका भी आप क्या करोगे, भाई रिविज़न करते रहिएगा हमेशा। यदि रेगुलर रिविज़न चलेगा, एक प्रश्नावली अभी चल रही है और एक आप पीछे से उठाते रहो, फिर अगली चलेगी एक और उठाते रहो, तो इस प्रकार से रिविज़न जब चलता रहेगा तो आपकी कंटिन्यूटी भी बनती रहेगी और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो देखो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देखिएगा और उसके जो सॉल्यूशन है उनको भी आप अच्छे से कीजिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही।